नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, दोस्तों आज हमारा प्रैक्टिस सेट विज्ञान का दूसरा वीडियो है। दोस्तों यदि आप बहुत ही अच्छे नंबर लेके आना चाहते हैं साइंस में तो बिल्कुल ये प्रैक्टिस सेट बिल्कुल करिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस प्रकार से सीजी टेट में पूछा जाता है मैंने हमारे वीडियो में उसी प्रकार से क्वेश्चन सेट करके रखा हुआ है, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा कि आप कितना पढ़े हैं, कितना जानकारी है। तो दोस्तों 30 में कितना सही होता है आप सभी का बिल्कुल कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, 50 ग्राम जल तुल्यांक वाले उष्मा मापी में 40 अंश सेल्सियस पर 150 ग्राम जल भरा है। विकिरण द्वारा 0.8 किलो कैलोरी उष्मा उससे निकल जाने पर जल का ताप कितना है? देखो अभी कितना है, 40 अंश सेल्सियस है। यदि विकिरण द्वारा उसमें से 0.8 किलो कैलोरी उसमें बाहर निकल जाती है तो शेष कितना बचेगा? तो कैसे करेंगे आप, फार्मूला क्या हो जाएगा, एम एस टी इक्वल टू 0.8 कैलोरी किलो कैलोरी, ठीक है। कुल द्रव्यमान कितना होगा, 50 ग्राम हो जाएगा, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 150 ग्राम, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, 50 प्लस 150 हो जाएगा, और इसका जो है विशिष्ट उसमें कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमको ताप निकालनी है, यहाँ पे किलो कैलोरी को कैलोरी में चेंज कर देंगे तो 0.8 गुना 1000, तो कितना हो जाएगा ये, 800 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 150 है, 150 कितना हो जाएगा, 200 टी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 200 टी बराबर कितना हो जाएगा, 800, तो टी बराबर कितना हो जाएगा, 800 बटा 200, 0 0 के आंसर कितना आ जाएगा, 4 अंश। तो पहले कितना था, 40 अंश, विकिरण द्वारा कितना निकल गया, 4 अंश, तो इसमें घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 36 अंश सेल्सियस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्लास्टिक वस्तुतः है क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के जटिल यौगिक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उच्च बहुलक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के समावयी है, एक अकार्बनिक जटिल यौगिक है। साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है गाल्जीकाय, माइटोकांड्रिया, राइबोसोम या लाइसोसोम। साथियों कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है आपके माइटोकांड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईसीजी है, ईसीजी क्या है, इलेक्ट्रोसिफेलोग्राफ है, इंडोस्पोग्राफ है, इलेक्ट्रॉन कार्डियोग्राफ है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। जब इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित करने के लिए किया जाता है तो यह सुविधा कहलाती है, साइबर स्पेस, निकनेट, ईमेल या आईनेट। तो साथियों संदेश जहां शब्दार है उसका मतलब क्या हुआ, ईमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते कौन सी है? साथियों चालन, संवहन, विकिरण। चालन और संवहन में माध्यम के कण गति करते हैं लेकिन विकिरण में गति नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण एक प्रिज्म के ऊपर निम्नतम विचलन की स्थिति में आपतित होती है, 34 अंश का विचलन होता है, यदि प्रिज्म का आधा चिन्हित हिस्सा जोड़ तोड़ दिया जाए तो वह किरण 34 अंश से विचलित होगा, 68 अंश से विचलित होगा, 17 अंश से विचलित होगा या किससे? तो साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा, विचलन का फार्मूला क्या होता है, म्यू माइनस वन इंटू ए। अब क्या बोलते हैं कि आधा हिस्सा तोड़ दिया जाता है तो क्या हो जाएगा, डेल एस बराबर म्यू माइनस वन, तो कौन आधा हो जाएगा, तो ए बाई कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो इतने का मान कितना है, 34 अंश है, तो 34 गुना ए बाई 2 हो जाएगा। तो 2 एकम 2 17 में 34, तो कितने अंश हो जाएगा, 17 अंश से विचलित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का प्रथम चरण होता है कार्बन डाइऑक्साइड का स्थायीकरण, सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन, पानी से ऑक्सीजन का निकलना, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुख्य वायु प्रदूषक होता है CO, CO2, N2 या गंधक। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चार अंश सेल्सियस पर दिए हुए द्रव्यमान के पानी का आयतन होगा अधिकतम, कम, अधिक या न्यूनतम। तो साथ ही इसका आंसर हो जाएगा न्यूनतम। एक सरल आवर्त गति को प्रदर्शित करने का समीकरण x बराबर 5 sin 2t + π/6 है, इस गति की आवृत्ति होगी। तो साथियों बहुत ही सिंपल है, इस जो समीकरण है अब तुलना करना है y बराबर 5 sin ω - ωt - π/6 से। तो आवृत्ति के फार्मूला आपको पता होगा, ओमेगा बराबर क्या होता है 2πn, ठीक है। तो यहाँ पर देखो तुलना करते हैं तो y से x हो जाएगा, 5 से 5 हो जाएगा, sin से sin हो जाएगा, और जहाँ ओमेगा है उसका ओमेगा बराबर क्या, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे t है तो यहाँ भी क्या है आपका t है, पाई बाई सिक्स है तो पाई बाई सिक्स है, तो यहाँ पे ओमेगा का मान कितना रखेंगे 2 बराबर 2πωn तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा पाई एन। तो हमारे पास पाई एन आंसर नहीं है, तो आवृत्ति निकालनी है तो n बराबर क्या होती है आवृत्ति, n बराबर पक्षांतर कर देंगे तो 1/ क्या हो जाएगा ये पाई, पाई नीचे आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सबसे अधिक पाए जाने वाली गैस कौन सा है। तो साथियों नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम और कार्बन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि किसी वस्तु के वेग को दुना कर दे तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी कितने हो जाएगी साथियों, 4 गुनी 2 गुनी 8 गुनी या समान। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 गुनी। कैसे क्या होता है अधिकतम गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है 1/2 mv². तो हमको वेग को दोगुना कर देते हैं तो v बराबर, यदि मैं 2 लिखूँ है ना, दोगुना कर दूँ, 2v कर दूँ, तो क्या हो जाएगा 1/2 m 2v² हो जाएगा, तो 1/2 m 2 × 4 भी हो जाएगा, 4 यहाँ लेके आ जाइए, 4 है ना, 4 यहाँ लेके आ जाओ तो 1/2 m v² हो जाएगा, तो कितना आ गया आंसर 4 गुना हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4 गुना। म्यादी ज्वर किस कारण से होता है, वायरस से होता है, जीवाणु से होता है, फफूंद से होता है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 3 प्रतिरोध 5, 5 और 10 ओम के हैं, वे समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इसकी तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध क्या होगा 1/R(1, 1/R2, 1/R3 है ना। तो R1 इसको मानते हैं, R2 इसको, R3 इसको, तो 1/5, 1/5, 1/10 ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, 2, 2, 4 और 1, 5, 5/10, 5 × 5, 5 × 10 मतलब 1/2, 1/R। तो R बराबर कितना हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2। तो हमें आंसर क्या हो जाएगा 2 ओम। निम्न में से रासायनिक क्रिया बताइए, हाइड्रोजन का जलना, बादल का बनना, जल से पर्वत का बनना या जल का वाष्पित होना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन का जलना। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के नेत्रिका लेंस से बना प्रतिबिंब कैसा होता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बात कर रहे हैं ना, नेत्रिका से बना, तो आभासी, वस्तु के सापेक्ष सीधा, वास्तविक, वस्तु के सापेक्ष उल्टा, आभासी, वस्तु के सापेक्ष उल्टा, वास्तविक, वस्तु के सापेक्ष सीधा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
कौन सा कथन सही है? साथियों सीजी टेट में आ चुका है ये, कि सीजी टेट से लिया गया है इसको। ऑक्सीजन हमेशा अणु है, हवा हमेशा मिश्रण है, कोई गैस हमेशा यौगिक है, तत्व हमेशा परमाणु है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा सॉरी हवा हमेशा मिश्रण है। यहाँ पर देख सकते हो आप, कण 2i कैप 2j कैप टेस्ला वाले चुंबकीय क्षेत्र में 5×5^5 आई कैप मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है, तो कण पर लगने वाला चुंबकीय बल होगा। हमको क्या निकालना है? चुंबकीय बल निकालना है। तो सबसे पहले इसको क्या कर देंगे, हम दोनों को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, है ना। इसको मानते हैं ए और इसको मानते हैं बी। तो ए क्रॉस यदि हम बी कर दें, है ना, अब देखे होंगे बी बराबर क्या होता है, ए बी। इस प्रकार से हम जब इसका चुंबकीय बल निकालते हैं, है ना, एफ बराबर ए बी कॉस थीटा, इस प्रकार से होता है। इसको हम क्रॉस कर दें तो क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, है ना, 3i + 2j कैप गुना 5×5^5 i कैप। ठीक है, ये जो 3i है और इसके साथ i के साथ गुना करेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है, 2j है, तो 2×5 = 10 हो जाएगा, गुना कितना है, 5×10^5 है, तो ये 10 गुना हो जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा, यहाँ पे कुछ मिले 0 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 10^6 k। i और j के साथ गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, 10^6 कैप हो जाएगा। ठीक है, हमको क्या निकालना है, चुंबकीय बल निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, me हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन से गुना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, है ना। इसका मान कितना होता है, 3.2×10^-19 इनके साथ गुना कर देंगे, 10^6। इसको गुना करेंगे तो ये जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 6×19 घटेगा कितना जाएगा, 3.2×10^ कितना हो जाएगा, -13। हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 100 वोल्ट और 110 विभवांतर के एक बल्ब को 220 विभवांतर की सप्लाई से प्रदीप्त करने के लिए एक ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। यदि सप्लाई धारा का मान 0.51 एम्पियर हो, 0.5 एम्पियर हो, तो ट्रांसफार्मर की लगभग दक्षता होगी कितनी होगी, ऐसा पूछ रहा है। ठीक है ना, तो क्या होगा, देखिए फार्मूला क्या हो जाएगा, VSIS/VIIP। ठीक है, अच्छा VPIP। तो इसमें जो ये जो मान है आपका वो कितना हो जाएगा, 110 वोल्ट का। ठीक है, तो ये सॉरी एक हो जाएगा 100 हो जाएगा, और जो VP है विभवांतर और धारा जो लगाया गया है वो 220 का है, गुना 0.5% में निकालना है, इसलिए यहाँ पे क्या कर देंगे, 100। ठीक है, जब इसको आप भाग दोगे इस प्रकार से 0 0 करके, यहाँ 10 हो जाएगा, 5/10 हो जाएगा, है ना, ऊपर चला जाएगा ये। तो इस प्रकार से अब इसको गुना को भाग करेंगे तो इसका आंसर जाता है 90%। कितना आ जाता है, 90%। ठीक है, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो लंबा ना बने इसलिए मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में बताते जा रहा हूँ। अवतल दर्पण, सॉरी साथियों, अवतल दर्पण के एक प्रयोग में वस्तु को दर्पण के फोकस से एक समान दूरी पर रखा जाता है, जिससे उसका वास्तविक प्रतिबिंब फोकस x2 पर बनता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, मतलब एक समान भी फोकस दूरी है और जो प्रतिबिंब है वो x2, मतलब ये x1 और x2 क्या है, फोकस है। तो लेंस सूत्र से क्या होता है, आपको पता होगा लेंस सूत्र बराबर क्या होता है, वर्गमूल x1 × x2 होता है, है ना। तो दोनों को गुना कर देंगे तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी x बराबर क्या होता है, x1 × x2। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
सबसे हल्के धातु कौन सा है, मैग्नीशिया, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम या लिथियम। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। F1 और F2 फोकस दूरी को दो लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो फार्मूला आपको पता होगा, 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2 होता है, तिरा गुना कर दोगे तो यहाँ पे गुना करने के बाद क्या जाएगा, F1 प्लस F2 आपस में गुना हो जाएगा, तो F1 इंटू F2 मतलब क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। एक तोप के गोले का द्रव्यमान 500 ग्राम है, यदि इसे 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ा जाए तो इसका संवेग, संवेग बराबर क्या होता है, आपको पता होगा द्रव्यमान गुणित वेग। ठीक है, तो द्रव्यमान कितना है आप देख सकते हो, 500 ग्राम, तो 500 ग्राम को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 किलोग्राम लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, गुना 15 मतलब वेग, वेग कितना है 15, दो से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 7.5 मीटर प्रति सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा, डी। अर्धचालक में कमरे के ताप पर क्या होता है, संयोजकता बैंड आंशिक रूप से खाली तथा चालन बैंड आंशिक रूप से भरा होता है, संयोजकता बैंड पूर्णतः भरा हुआ और चालन बैंड आंशिक रूप से भरा होता है, संयोजकता बैंड पूर्णतः भरा होता है, चालन बैंड पूर्णतः खाली होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, संयोजकता बैंड आंशिक रूप से खाली रहता है और चालन बैंड आंशिक रूप से भरा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गाल्जी काय का प्रमुख कार्य है, श्वसन होना, कोशिका विभाजन शुरू करना, पाचन करना, स्त्रावी करना, स्त्रावी करना इसका प्रमुख कार्य होता है। ट्रांसफार्मर क्या है, डीसी को एसी में परिवर्तित करना, एसी उल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होना, एसी उल्टता को डीसी उल्टता में परिवर्तन करना, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसी उल्टता को घटाने या बढ़ाने में प्रयुक्त करना। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक है लिनियस, थियोफ्रेक्टस, इचिनसंस या एंगलर। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लिनियस। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिग सिक्स की कमी से पुरुषों में हो जाता है रिकेट्स, स्कर्वी, बेरी बेरी रोग या रक्त अल्पता। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा अरक्तता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक शक्तिशाली है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन अणु की संख्या कम होती है, या हाइड्रोजन प्लस आयन उत्पन्न करने हेतु संपूर्ण आयनित हो जाता है, इसमें क्लोरीन होता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यह एच प्लस आयन उत्पन्न करने हेतु संपूर्ण आयनित हो जाता है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था साथियों। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, यदि आपको इसी प्रकार से वीडियो टेस्ट चाहिए बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, हम आपके लिए जरूर बनाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।